हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो ये है हमारा डे टू इन हम्पी, एक खूबसूरत सा मॉर्निंग, बहुत ही अच्छा सा एक दिन। तो हमने अपना डे टू काफी अर्ली स्टार्ट किया है, तो हमने सोचा कि थोड़ा प्रॉपर्टी में घूमा जाए, आपको प्रॉपर्टी का एक टूर देते हैं और उसके बाद हम चलेंगे बाहर घूमने। ये जिस प्रॉपर्टी पे हम रुके हैं, इसका नाम है हम्पीज बोल्डर रिसॉर्ट। यह प्रॉपर्टी 110 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें सिर्फ 16 कॉटेजेस हैं। इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको काफी सारे वॉकिंग ट्रेल्स मिलेंगे, आप वॉक पे जा सकते हो, बोल्डर्स का मजा ले सकते हो। यहाँ पे तुंगभद्रा रिवर इस प्रॉपर्टी के अंदर से बहती है, इनका प्राइवेट आइलैंड भी है। तो हम मॉर्निंग में निकल गए थोड़े से वॉक पे और हमने ये बैम्बू फॉरेस्ट एक्सप्लोर किया। प्रॉपर्टी के अंदर आपको काफी सारे वाइल्ड लाइफ देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, सामने जो हमारा कॉटेज है, ये पूरे बंदरों से भरा पड़ा है। और इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको क्रोकोडाइल देखने को भी मिल सकता है, पीकॉक है, और काफी सारे वाइल्ड लाइफ का यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। इस प्रॉपर्टी का डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप आराम से वहां से बुकिंग कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी के अंदर का तुंगभद्रा रिवर, और आप देख सकते हो प्राइवेट आइलैंड जाने के लिए यहाँ पे एक वुडन का एक ब्रिज बनाया गया है, वुड ब्रिज बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा इस प्रॉपर्टी में। और प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। हमें बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया कि अगर आप हम्पी आए हो तो आप कोरैकल राइड जरूर लेना, तो हम चले गए कोरैकल राइड लेने। पास ही में हमारे प्रॉपर्टी से कुछ 8 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये सनापुर लेक है, और सनापुर लेक ही वो जगह है जहाँ पे कोरैकल राइड आपको प्रोवाइड किया जाता है हम्पी में। तो यहाँ पे चार्जेस है कुछ हाफ एन आवर के लिए 350 to 400। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप कभी भी अगर हम्पी आओ तो आप ये राइड लेना ना भूलें। यहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड किया और इस कोरैकल राइड का मजा लिया, और सुंदर सा एक नज़ारा का मजा लिया कोरैकल राइड लेते हुए। चारों तरफ आपको बोल्डर्स देखने को मिलेंगे और खुला आसमान और पानी, तो ये एक अद्भुत नज़ारा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये मैं मस्ट रिकमेंड करूँगा आपको कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करें। लेक से होते हुए हम वापस अपने प्रॉपर्टी आ गए, और प्रॉपर्टी के अंदर आने के बाद हमने कुछ टाइम पूल में स्पेंड किया। जी हाँ, ये कोई नॉर्मल पूल नहीं है, ये एक ओरिजिनल रॉक से बना हुआ पूल है। तो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस इस पूल में, आप देख सकते हो ये एक ओरिजिनल बोल्डर है, उस पर कट करके इन्होंने इस पूल को बनाया है।
जब आप नेचर के बीच होते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है कि सनराइज से सनसेट कैसे हो जाता है। ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ, पता ही नहीं चला कि दिन कैसे खत्म हो गया। तो हमने एक प्यारे से सनसेट के साथ अपने ट्रिप को यहीं पे एंड किया, बट आप बने रहिए हमारे साथ हमारे नेक्स्ट व्लॉग के लिए। अंटिल देन, कीप ट्रैवलिंग।